डेयरी का और पशुपालन का ट्रेनिंग पहले उड़ीसा में होता था, केंद्र दूर होने से लोगों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वहीं जनजातीय और जनजातीय क्षेत्रों के लिए ट्राइबल का अगर हम लोग पॉपुलेशन पूरे देश में देखे आदर्श स्कूल आवासीय स्कूल के रूप में अब उसका एक राष्ट्रीय दृष्टि। अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे एक पूरक प्रश्न पूछने का मौका देने के लिए। बिहार में डेयरी का और पशुपालन का ट्रेनिंग पहले उड़ीसा में होता था, अब वो चंडीगढ़ में हो गया है, तो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए क्या मंत्री जी बताएंगे कि ये प्रशिक्षण केंद्र बिहार में लाने का कोई योजना है, क्योंकि इस समय डेयरी के लिए मत्स्य पालन के लिए लोगों में बहुत उत्कंठा है, लेकिन केंद्र दूर होने से लोगों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये प्रशिक्षण केंद्र बिहार में लाने का कोई योजना है। अगर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव आता है तो प्रशिक्षण केंद्र खोलने में मदद करने पर केंद्र सरकार विचार कर सकती है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पहली बार इस देश में राष्ट्रीय स्तर पर जहां एक तरफ नई शिक्षा नीति प्रारंभ किया गया, वहीं जनजातीय और जनजातीय क्षेत्रों के लिए जो योजनाएं प्रारंभ की गई थी, एकलव्य आदर्श स्कूल आवासीय स्कूल के रूप में अब उसका एक राष्ट्रीय दृष्टि इस योजना के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, और यह कोशिश किया जा रहा है कि इसके माध्यम से हम सतही तौर पर क्वालिटी एजुकेशन को इंश्योर करें और दूर सुदूर क्षेत्र में रहने वाले तमाम जनजातीय बंधुओं को अच्छी शिक्षा मिले। यह एक बहु आयामी व्यक्तित्व निर्माण के दृष्टि से प्रधानमंत्री जी का एक दूरदर्शी कदम, जिसे मैं कहूँगा उसी लक्ष्य को लेकर के यह मंत्रालय इस विद्यालय का कार्य प्रारंभ किया है। अध्यक्ष महोदय, मेरा पर्टिकुलर प्रश्न था कि कोविड के पीरियड में विद्यार्थियों को ऑनलाइन परीक्षा दी जाती थी और उनको क्या समस्या आई और आगे चल के हम लोग उसके ऊपर क्या प्रयास कर रहे हैं कि उनकी आगे चल के उनको वो अड़चन आए। अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने 2022 तक लगभग 700 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल करने का निर्धार किया है, लेकिन उत्तर में दिया गया है कि 367 स्कूल अभी फंक्शनल है और उसमें 85,232 विद्यार्थी एनरोल्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि ट्राइबल का अगर हम लोग पॉपुलेशन पूरे देश में देखे तो उसमें बहुत कम संख्या ये कम लग रही है। अध्यक्ष महोदय, एकल संस्था जैसी बहुत सी संस्थाएं देश के ट्राइबल्स विद्यार्थियों को शिक्षा देने के लिए काम कर रही है और उनके पास लगभग एकल संस्था अगर हम सोचे तो उनका लगभग 1,07,000 छोटी छोटी स्कूल्स हर ट्राइबल एरिया में है और वो संस्था चलाते वक्त वो प्राइवेट फंडिंग उसको करते हैं। तो मेरा प्रश्न यह है आपके माध्यम से कि क्या ऐसी संस्थाओं को हम लोग अगर रिकॉग्नाइज करें और उनका जो नेटवर्क है, अभी पूरे देश में 1,00,000 अगर छोटी छोटी स्कूल्स है, अगर उनके नेटवर्क का हम लोग फ़ायदा लेके उनको रिकॉग्नाइज करके उनको अगर कोई मदद करे तो निश्चित रूप से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँच सकते हैं और जल्द से जल्द अच्छा शिक्षण उनको दे सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। नमस्कार।